व्यास भरत शर्मा जी, भाई विकास जी और इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे सम्मानित मुखिया विद्यासागर जी, पंकज जी और हमारे साथ चलकर आए हमारे लोकदल शक्ति पार्टी के संगठन के प्रभारी भाई शशिकांत त्रिपाठी जी, बक्सर के उपप्रमुख विनय तिवारी जी और यहाँ पर उपस्थित मुखिया मदन जी, अशोक जी, तेज नारायण ओझा जी और सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण डुमरी के इस होली मिलन समारोह में यहाँ पर उपस्थित सभी डुमरी की नहीं डुमरी के इर्द गिर्द के गाँव से आए हुए हमारे नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग आप सबों को यहाँ से हृदय से मैं होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ और साथ ही साथ छत पर बैठे अपने नौजवान साथियों ताली बजाई, ताली बजाई कि आप सभी जिस तरह होली का आनंद ले रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। जिस तरह से आप पैर लटका कर बैठे हैं, कहीं कोई साथी मित्र से अगर गलती हो गई तो आप नीचे जाएंगे, आपका तो होली खराब होगा ही, अपने पूरे परिवार का, गांव का, टोला का होली खराब ना हो, इसके लिए अपने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। नौजवान साथियों, आप सबों से मिलकर इस होली के मौके पर मैं धन्य हो गया। यहाँ पर हमारे भाई विकास जी हैं, बहुत सारी नृत्यांगना, बहुत सारे हमारे कलाकार यहाँ आए हैं। आप सबों का भरपूर मनोरंजन हो, आप होली का भरपूर आनंद उठाए और मैं आप सबों को एक निमंत्रण भी देने आया हूँ कि 14 अप्रैल को 12 बजे दिन में गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सांसद, देश के सबसे लोकप्रिय युवा सांसद चिराग पासवान जी ने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को फर्स्ट करने के लिए, बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए एक रैली का उन्होंने आह्वान किया है, आयोजन किया है। तो मैं आप सब साथियों का वहाँ मौजूदगी चाहता हूँ, उपस्थिति चाहता हूँ। हमारे ब्यास जी गा रहे थे, हमारे ब्यास जी बता रहे थे कि होली के अवसर पर प्रत्येक महिला चाहती है कि उसका पुरुष जहाँ भी रहे, जिस कोने में भी रहे, तो यहाँ अपने घर जरूर पहुंचे। और हमारे चिराग पासवान जी ने यह ठाना है कि जो बाहर के लोग बिहार में काम करने नहीं आते हैं, सिर्फ बिहारी ही बाहर काम के लिए रोजगार के लिए जाते हैं, तो एक ऐसा बिहार बनाया जाए कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, यहाँ की महिलाओं को होली के दिन ये तरसना ना पड़े कि हमारे पुरुष बाहर से कब आएंगे कब आएंगे। विदा लेता हूँ, आगे का कार्यक्रम है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा हो रहा था, तो आगे का कार्यक्रम के लिए मैं निकलता हूँ। लेकिन आप सबों से साथ ही साथ मैं वादा करता हूँ, हमारे बड़े भाई समान का आदमी यहाँ है, कि अगला बार जब इस डुमरी में होली मिलन होगा तो हमारे विकास जी तो रहेंगे ही, ब्यास जी तो रहेंगे, चाहे आप लोग तय कर लीजिए कि पवन जी को आना है कि खेसारी जी को आना है। कलाकार बंधुओं को, नृत्यांगनाओं को, हमारे ब्यास जी को।